गाइस आईक्यू एक्चुअली इंडिया मार्केट पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। आईक्यू अपना जी सीरीज कार्डनर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आईक्यू Z9 X अभी बड़ी है आईक्यू 9S सीरीज। 9S सीरीज का अंडर आपको आईक्यू Z9S देखने के लिए मिलेगा एंड आईक्यू Z9S Pro ये दोनों फोन देखने के लिए मिलेगा। एंड ये दोनों फोन लॉन्च होने वाला है 21st of August इंडिया पर ऑफिशियली। एंड इस फोन के साथ आपको जो कुछ देखने के लिए मिल रहा है ना, लगभग आपको 90-95% बाहर आ गया है। तो स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या है, प्राइस क्या होने वाला है, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिकॉपलेटेड वीडियो पाने के लिए। दोस्तों देखिए आईक्यू Z9S एंड Z9S Pro दोनों फोन के साथ आपको सेम टू सेम आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। 6.78 इंच का कर्व एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड आपको इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी प्रोटेक्शन इधर देखने के लिए मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही, तो डिस्प्ले एक्चुअली बहुत बढ़िया होने वाला है एंड रिफ्रेश रेट भी आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है आईक्यू का, जो बिल्ड क्वालिटी होता है आपको पॉलीकार्बोनेट सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा और आपको इधर वीगन लेदर का भी ऑप्शन 9S Pro के साथ देखने के लिए मिलेगा एंड 9S के साथ आपको शायद इधर पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट जो कैमरा का सेक्शन है, कैमरा का सेक्शन भी ठीक ठाक है। एक्चुअली दोनों फोन के साथ आपको फ्रंट सेक्शन पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। फुल HD मैक्सिमम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड बैक सेक्शन पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा। प्रो सीरीज के साथ आपको YS एंड 9S में ओनली आपको YS शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा। चांसेस है इधर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपको YS देखने के लिए मिल भी सकता है बट उधर थोड़ा मोड़ा तो आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। बट इधर प्रो में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाएगा एंड 9S में आपको शायद इधर YS मिलेगा तो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ हो सकता है और YS नहीं मिलेगा तो सेम टू सेम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी हो सकता है। कैमरा का पोर्शन आप लगभग सेम टू सेम आप बोल सकते हो बट आईक्यू जो करता है ना कैमरा के साथ आपको वीवो का एल्गोरिदम फॉलो करता है तो मेन कैमरा जो होगा ना वो सॉलिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि Z9 के साथ आपको मेन कैमरा जो देखने के लिए मिला था बहुत ही बढ़िया एक सेंसर था। और आपको इधर परफॉर्मेंस आईक्यू तो एक साथ ही है। आपको इधर 9S में इधर मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7300 का चांसेस सबसे ज्यादा लग रहा है। लीक का अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं सबसे ज्यादा चांस आपको 7300 का ही देखने के लिए मिल रहा है एंड 9S Pro के साथ आपको बहुत ही परफॉर्मेंस वाला 7 Gen 3 देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल एक प्रोसेसर है एंड दोनों फोन का परफॉर्मेंस तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बैटरी का सेक्शन पर आपको 5000 और 5500 mAh ये दोनों बैटरी का आपको इधर कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा एंड आपको प्रो के साथ इधर 66 वाट का चार्जर इनबॉक्स एंड नॉन प्रो के साथ 9S के साथ आपको 44 वाट का चार्जर इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट तो है, डुअल स्टीरियो स्पीकर का ऑप्शन है, 3.5 mm ऑडियो जैक आपको इधर देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 14 के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड आपको 3-4 ईयर आपको अपडेट भी बराबर देखने के लिए मिल जाएगा। बट इधर स्टोरेज टाइप UFS 2.2 एंड LPDDR5X नहीं है, 4X रैम इधर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये लगभग स्पेसिफिकेशन के साथ ये दोनों फोन इंडिया पर 21st of August ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो प्राइस देखिए क्या होगा, 9S का प्राइस इंडिया पर सुनने को मिल रहा है इधर 22-23 में लॉन्च होगा एंड ऑफर के साथ 20,000 भी हो सकता है ऑफर के साथ इसका प्राइस हो सकता है क्योंकि इसका ठीक नीचे वाला जो वेरिएंट होगा वो आईक्यू Z9 है एंड Z9 का प्राइस तो आपको ऑफर के साथ 18,000-19,000 में देखने के लिए मिल जाता है। एंड इधर जो प्रो वेरिएंट है आईक्यू Z9S Pro इसका प्राइस आपको 26-27,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा, ऑफर के साथ 1-2 हज़ार रुपये कम भी सकता है। बट इधर जो देखिए आईक्यू Z9 है एंड Z9S जो है दोनों फोन के साथ आपको प्रोसेसर Z9 के साथ आपको 7200 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी वाला और Z9S में आपको 7300 देखने के लिए मिलता है। बट ये 7300 वाला प्रोसेसर पावरफुल नहीं है 7200 से, आपको 7200 से आपको कम ही परफॉर्मेंस इधर देखने के लिए मिल जाएगा बट जो नंबर है नो नंबर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये है ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन जो आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस फोन का रिगार्डिंग आप लोग क्या सोच रहे हो वो फटाफट शेयर कीजिए। आगे जाकर इस फोन का और भी इंफॉर्मेशन, एक दो इंफॉर्मेशन अभी भी डाउटफुल है वो रूमर का अकॉर्डिंग मैंने शेयर किया बट जब कॉन्फर्म हो जाएगा मैंने एक दो वीडियो और भी शूट करूंगा इस दोनों फोन का रिगार्डिंग। तो आपका ओपिनियन क्या है ये दोनों फोन रिगार्डिंग ऑप्शन कीजिए कमेंट सेक्शन पर एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।